global advertisers, scaling new heights in outdoor media. संदीप शाह और संजीव गुप्ता जो हमारे साथ मौजूद है, तो किस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से क्या कुछ खास होने वाला है, हम उनसे जानते हैं। तो संदीप जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रोटरी क्लब किस तरह से काम कर रहा है, अपने किस तरह से कार्यों को देख रहे हैं। रोटरी का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा महत्व रहा हुआ है लास्ट 100 साल से, और अभी जो नए चैलेंजेस हुए हैं कि पहले तो पोलियो हमारा एडिक्ट हो गया, अब रहा सवाल नया दौर है, नया चैलेंजेस हैं, तो हम ये कोशिश हो रही है कि ये रोटरी वर्ल्ड फेस्ट के दौरान हम नए जो एजुकेशन और मेडिकल एनवायरनमेंट के जो प्रॉब्लम हैं उसको हम सरफेस करें और उसको हम फंडिंग करें और लोगों से उसकी जागरूकता कराएं। तो जिस तरह से आज हमें जो प्रोग्राम देखने को मिल रहा है महालक्ष्मी के इस रेस कोर्स में, जहाँ पर कहा जाता है बहुत ही खास जगह मानी जाती है हर प्रोग्राम के लिए, तो आपके माइंड में किस तरह से आएगा इस प्रोग्राम को आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा, और क्या कुछ खास होने वाला, और कितने दिनों के लिए रखा गया था? ये एक दिन का प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि इसमें एक मेलोडी ऑफ म्यूज़िक, आर्ट, एंटरटेनमेंट और प्रोजेक्ट्स अंडर वन रूफ, वो को देखते हुए ये पूरा कार्यक्रम उसको इस तरह से सजाया गया हुआ है। तो जिस तरह से आज हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल एडवर्टाइजर भी आपके साथ जुड़े हुए, तो वो किस तरह से आपके साथ जुड़े हुए, जिस तरह से उनके अगर कार्यों की बात करें तो लोगों तक पहुंचा गया है कि काफ़ी अच्छा कार्य करते आ रहे, तो आपसे मिलने में इतनी देरी क्यों लगती है? देरी आई दुरुस्त आई, लेकिन उन्होंने मना तो नहीं किया, तो हमें खुशी है कि ये जब इन्होंने हमारा अध्यक्ष देखा, हमारी सिंसियरिटी देखी, तो शायद उनको एक मिनट भी नहीं लगा ये कहने के लिए कि हम आपके साथ में जुड़ेंगे, आप कहाँ तक जाना चाहते हो उसकी मंजिल आप तय करो। तो जिस तरह से जुड़ने को, जब लोग जुड़ते हैं किसी चीज़ से तो यही कहते हैं कि हम बेस्ट देंगे, तो क्या अभी आपको कहीं तक लग रहा है कि ग्लोबल आपको बेस्ट दे पा रहे हैं? ग्लोबल अपनी आज शुरुआत है, और मैं समझता हूँ आज इनकी यहाँ पे संडे को दोपहर में भी यहाँ पे होना, ये एक सबसे बड़ी एक उनकी कमिटमेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये कमिटमेंट इन्होंने जो उन्होंने बताया था कि ये होगा, और आज ये स्वाभाविक में हो रहा है, तो इससे तो और कमिटमेंट और कोई क्या बता सकता है। तो आगे तो आज तो पहला दिन है, रविवार पूरा हो रहा है, अगला दिन शुरू हो जाएगी, नई गेम शुरू करेंगे। तो संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने खुश हैं इस चीज़ से कि आज आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लॉटरी क्लब भी आपके साथ जुड़ा है, तो आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं हमेशा अपने होर्डिंग पैसों के लिए देता हूँ और बिजनेस करता हूँ। जब मेरे पास रोटरी क्लब एक चैरिटी का प्रपोजल आया तो ओपन हार्टेडली मैंने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि एक नेशन के लिए जो हमने कमाया है वो उसको ही वापस दे रहे सोसाइटी को। वो उस फॉर्म में जब मेरे पास संदीप जी आए थे तो उन्होंने प्रपोजल रखा था और समझाया मुझे क्या कर रही है रोटरी क्लब, इसलिए मैंने अपने होर्डिंग्स जो मुंबई के अंदर हैं और जो लास्ट 20 साल से हमने खड़े किए हैं, आई ऑफर्ड हिम फ्री ऑफ कॉस्ट 100 डेज 100 होर्डिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनका जो एक मकसद है, उनका एक जो मिशन है वो पब्लिक तक पहुँचे, कम्युनिकेट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा ले सकें, वो इंटेंशन से ये काम किया गया है। तो आज पूरे दिन का प्रोग्राम किस तरह करा, और आज क्या पूरा दिन आप यहाँ पे दे पाए लोगों के बीच में, और क्या कुछ खास कुछ देखने को मिला, क्योंकि प्रोग्राम से बहुत आपने अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन आज जो आप यहाँ पर मौजूद है, यहाँ का क्या माहौल नज़र आया? देखिए, बहुत कलरफुल माहौल है अभी फ़िलहाल तो, और अभी शुरू हो रहा है, अभी लगभग 5 बज गए हैं, अभी शुरू होने वाला है, आप भी आइए साथ में, एंजॉय कीजिए।